राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सेवा गाथा वेबसाइट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन रविवार को राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सुधीर द्वारा किया गया। सिविल लाइन स्थित एक लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर सीताराम जायसवाल, आरएसएस के प्रांत सह प्रचारक प्रमुख उपेंद्र प्रसाद द्विवेदी सहित संघ के कई पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने वर्ष भर के सामाजिक कार्यों का ब्यौरा देने के साथ नई वेबसाइट की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर कई सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी की गई। अखबार, टीवी, लेकिन अब क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लगभग मेरे हिसाब से तो फेसबुक से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट जिसका प्रमोशन कर सकते हैं। तो ऐसी एक जरूरत पड़ी कि संघ के जो सेवा कार्य है ये लोगों के प्लेटफॉर्म में आए, लोगों को दिखाई दे। तो इसके लिए क्या है, सेवा गाथा एक वेबसाइट के सामने संघ के सेवा कार्य। तो अब मैं वेबसाइट का मेन पेज है, ठीक है, ये देखिए। इसमें क्या है कि ये जो फोटोज हैं, देश भर में जितने भी सेवा कार्य संघ के चल रहे हैं वो इधर, ये जो फोटोज हैं ये हमें पूरे भारतवर्ष से फोटो आती है, तो हम इस वेबसाइट पे लगाते हैं पहली बार। फिर है परिवर्तन यात्रा, एक कॉलम है परिवर्तन यात्रा, इसमें संघ के सेवा कार्यों द्वारा जो लोगों के जीवन, मन और समाज परिवर्तन की कहानियां हैं वो हर हफ्ते हर सोमवार को इस वेबसाइट में जाती हैं और परिवर्तन यात्रा वाले कॉलम में जाती हैं। जैसे मैं आपको एक दो कहानियां दिखाता हूं, ये है पढ़ाई की सिलाई से पूरी सफलता, ठीक है, ये कहानी है। ये कांचीपुरम के सिल्क वीवर से बुनकर जो होते हैं वो किसी टाइम बड़ी आर्थिक, उनकी बहुत आर्थिक हालत खराब थे और शिक्षित भी नहीं थे, इस वजह से क्या साहूकार लोगों को उनको ठग लेते थे क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं थे। तो संघ के स्वयंसेवकों और संघ के विभाग प्रचारक जी के द्वारा एक प्रकल्प चलाया गया जिसमें यात्रा का एक कॉलम। दूसरा आता है समर्पित जीवन, वो देखिए समर्पित जीवन, इसमें क्या है कि संघ के जितने, ये देखिए संघ के प्रचारक और कई ऐसे लोग जिन्होंने संघ के सेवा कार्यों में अपनी जिंदगी खपा दी, खुद चिराग बनके कई लोगों के जीवन में रोशनी लाई, ऐसे महापुरुषों की इसमें कहानी रहेगी। इसको भी आपको दिखाते हैं, देखिए पढ़िए समर्पित जीवन। तो इसमें माननीय विष्णु जी कुमार जी की कहानी है। सबको पता ही होगा कि संघ के स्वयंसेवक आपदाओं के वक्त अग्रसर खड़े होके अपनी सेवाएं देते हैं। तो क्या है, कभी कभी क्या होता है अखबारों में निकल जाती, कभी नहीं निकलती है, और लेकिन क्या होता है कि संघ के जितने स्वयंसेवक हैं, आप गुजरात बाढ़ ले लीजिए, उत्तराखंड त्रासदी ले लीजिए, और चेन्नई में जो बाढ़ आई थी तब ले लीजिए, क्या है कि अग्रसर होके हमारे स्वयंसेवकों ने काम किया। तो इसमें है, ये है गुजरात बाढ़, बाढ़ से बचे हजारों जिंदगी, गुजरात बाढ़ में स्वयंसेवकों का भागीरथ अभियान। तो इस वेबसाइट में जो हमारे स्वयंसेवक त्रासदी आपदा के वक्त अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल के भी लोगों की जान बचाते हैं, उनकी कहानियां इस सेवा दूत वाले कॉलम में आएंगी। अब आप प्रत्यक्ष सारे कार्यों को इस वेबसाइट के माध्यम से परिचित हो सकते हैं। प्रवासी संघ अपने सेवा विभाग के द्वारा जन जन तक किस प्रकार से सेवा के कार्य करता है, किस प्रकार से सेवा क्षेत्रों में से बचने का प्रयास किया, बचाने का प्रयास किया, तथा बाढ़ पीड़ितों की मदद में खाद्यान्न सामग्री, पानी, दवाइयां, तिरपाल, टार्च, कपड़े इत्यादि वितरण करते रहे। इस वर्ष आए बाढ़ों में कई लाख रुपए की सामग्री बाढ़ में दी गई ता कई सौ स्वयंसेवक इस सहायता कार्य में लगे। इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों के सहायता में स्वयंसेवक 22 दिनों तक निरंतर कार्य में लगे रहे और सेवा करते रहे। और यही नहीं, हमारे से बहुत से लोगों ने
जो उस स्थान पर बाढ़ पीड़ित इलाके में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि हमारे स्वयं सेवकों ने गले तक पानी में हल हल करके दवाइयां, खाद्यान्न, कपड़े और उनके जरूरत की सारी चीजें दिया, सिलाई माचिस वगैरह से सब वहां पर वितरण किया। और निश्चित रूप से जो हमारे सेवक स्वयं सेवक इस क्षेत्र में पहुंचे तो वहां बाढ़ पीड़ितों में एक आशा की किरण जग गई कि हमारी भी कोई सोच समझ खबर लेने वाला है और लगा कि यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उससे हमारा संबद्ध सेवा भारती विभाग हमारी मातृमंडली हमारी युवा भारती के लोग सशस्त्र चिकित्सालय के लोग स्वास्थ्य सेवा कैंप लगा करके लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया उन पीड़ितों को। और इसमें निश्चित रूप से हम लोगों ने उसका केंद्र भी सरस्वती विद्या मंदिर बनाया हुआ था जहां उसके प्रधानाचार्य मनीष शिव जी ने बड़ी अच्छी तरह उसका संचालन किया। पुनः माटी मैं क्यों पिया जमोरे गाँव में पुनः माटी मैं क्यों।